हेलो हम रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज ओके परचेज किया है रिकॉर्ड नहीं किया ओके सो फर्स्ट फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू परचेज परचेज किया है रिकॉर्ड किया नहीं ओके सो फर्स्ट वन दैट इज ऐड टू परचेज सेकंड इफेक्ट दैट इज अ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड टू क्रेडिटर्स ओके बिकॉज व्हेन क्रेडिट परचेज इंक्रीज द क्रेडिटर्स ऑल्सो इंक्रीज ओके सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज अ balance sheet left side add to creditors okay next on record credit sales so pehle baat kar chuke okay add to debtors first of all and second effect add to sales trading account credit side okay next next kya hai अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न ओके सो आपने परचेज किया है रिटर्न किया पर गलती से आप रिकॉर्ड करना भूल गए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टू परचेज रिटर्न और माइनस फ्रॉम परचेज सेकेंड इफेक्ट आपने परचेज रिटर्न किया है तो आपको अभी पेमेंट कम करना है क्योंकि आपने जो परचेज किया था उसको आप रिटर्न कर चुके हैं ओके तो उतना पेमेंट आपका कम हो जाएगा सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स ओके माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स नेक्स्ट नेक्स्ट इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न ओके सो आपने जो सोल्ड किया है वो वापिस आ गया ओके तो अभी उतना पैसा आपको कम मिलेगा ओके सो ऐड टू सेल्स रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फाइनल अमाउंट इज माइनस फ्रॉम सेल्स और उसके बाद आपको आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखना है ओके सेकेंड इफेक्ट सेल्स रिटर्न है तो आपका जो अभी पेमेंट जो मिलेगा वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आप सेल्स रिटर्न हो गया है सामने वाले ने जो परचेज किया था नाउ वो गुड्स आपको वापस कर दिया ओके सो अभी क्या होगा इसमें आपका जो डिटर्स है उसमें से ये जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा सेल्स हुआ है तो ऐड करना है सेल्स रिटर्न हुआ है तो डिटर्स में भी उसको माइनस करना है ओके नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट ओके परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक यही है ना ओके परचेज रिटर्न है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टू परचेज रिटर्न के बराबर तो वहां पर रिकॉर्ड हुआ नहीं है तो वहां पर रिकॉर्ड कर दो तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू परचेज रिटर्न और फाइनल अमाउंट बाद में आपका माइनस होगा परचेज में से ओके नेक्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या था अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न हाँ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक ओके तो उसमें से माइनस कर दो जो रॉन्गली रिकॉर्डेड हुआ ओके तो सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से उसको माइनस कर दो बिकॉज इट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड ओके थर्ड इफेक्ट डेटर्स में से उसको माइनस कर दो क्योंकि वहाँ पे गलती से रिकॉर्ड हुआ है तो डेटर्स में से माइनस कर दो नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड उसको क्रेडिटर्स में से भी माइनस करो क्योंकि क्या है परचेज रिटर्न है ना इसलिए आपको क्रेडिटर्स में से भी माइनस करना है ओके सो देयर आर फोर इफेक्ट ओके नेक्स्ट सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक तो सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड होना चाहिए था सेल्स रिटर्न में हुआ नहीं है सो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सेल्स रिटर्न उसके बाद वो सेल्स में से आपको माइनस करना है और आउटर कॉलम में लिखना है ये हुआ आपका फर्स्ट इफेक्ट ओके ऐड टू सेल्स रिटर्न फाइनल अमाउंट आपको माइनस करना है और वो अमाउंट आपको बाहर लिखना है ओके सेकेंड वन सेल्स रिटर्न था गलती से परचेज में ऐड हुआ ना गलती से ओके तो परचेज में से माइनस कर दो ओके सेल्स रिटर्न हुआ है ओके सेल्स रिटर्न यानी जो सामने वाले को जो सोल्ड किया था उसने अपने को वापस दे दिया ओके सेल्स रिटर्न हुआ है गलती से परचेज में ऐड हुआ है तो परचेज में से माइनस कर दो एंड दैट इज अ रॉन्ग रिकॉर्डेड ओके तो परचेज में से माइनस होगा तो फिर क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगा ओके और सेल्स रिटर्न है तो डेटर्स में भी आपको माइनस ही करना होगा ओके सो फोर इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टू सेल्स रिटर्न फाइनल अमाउंट विल बी माइनस फ्रॉम सेल्स रिकॉर्ड इन आउटर कॉलम फर्स्ट इफेक्ट हुआ ये सेकंड इफेक्ट परचेस में गलती से ऐड हुआ है तो उसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दो माइनस कर दो परचेस में से थर्ड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो क्योंकि गलती से वो एज ए परचेस रिकॉर्ड हुआ है इसलिए ओके
तो क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो, और फोर्थ इफेक्ट डेटर्स में से माइनस कर दो क्योंकि वो सेल्स रिटर्न है. ओके दैट्स व्हाई. नेक्स्ट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक. ओके सो परचेस हुआ है गलती से सेल्स में रिकॉर्ड हो गया है तो उसको सेल्स में से माइनस कर दो रॉन्गली रिकॉर्डेड, परचेस में ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड. ओके और क्रेडिटर्स में ऐड कर दो परचेस हुआ है. ओके और डेटर्स में से उसको माइनस कर दो क्योंकि वहां पे रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है. सो फोर कैट्स. ओके नेक्स्ट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेस बुक, ये अपना हो गया ना. सेल्स अच्छा अच्छा वो परचेस रिटर्न था, सॉरी ये सेल्स है. ओके सॉरी. सो सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेस बुक है ना, यही है ना. सेल्स इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक. सो सेल्स में से हाँ सेल्स सेल्स में ऐड कर दो. ओके सेल्स हुआ है और गलती से वो परचेस में ऐड हो गया. ओके तो सेल्स में ऐड कर दो पहले, सबसे पहले जो होना चाहिए वो परचेस हुआ है गलती से परचेस में रिकॉर्ड हुआ है तो आपको परचेस में से माइनस करना है. ओके परचेस में से माइनस करना है गलती से हुआ है तो परचेस में से माइनस कर रहे हो आप तो क्रेडिटर्स में से भी आपको माइनस करना है बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ परचेस एंड क्रेडिटर्स. ओके सो आपको जो परचेस में से माइनस करे तो आपको क्रेडिटर्स में से भी माइनस करना होगा. ओके और सेल्स में आप ऐड कर रहे हो तो आपको डेटर्स में भी ऐड करना होगा. ओके सो सेल्स में ऐड हो रहा है तो आपको डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड भी और डेटर्स में आपको ऐड करना होगा. ओके नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके कि जो आपने कैपिटल जो ओनर है सो इन अकाउंटेंसी जो 11th में आप पढ़ चुके हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके तो उसमें क्या था कि भाई जो ओनर है और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन. ओके सो यहाँ पे जो ओनर है दैट इज अ नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. ओके तो यहाँ पे दोनों जो पर्सन है वो अलग अलग है. सो जो ओनर है इज नेचुरल पर्सन, ही इज गिविंग कैपिटल टू द बिजनेस. ओके तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो गई, दैट्स व्हाट इज रिकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड. ओके तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओके बराबर तो इंटरेस्ट जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट किया है ओनर ने. ओके तो जो अमाउंट है इफ होम मेंटेन इंटरेस्ट कैपिटल 5% 7% 10% व्हाटएवर. ओके तो वो उसमें आपको ऐड करना है इंटरेस्ट कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सेकंड इफेक्ट नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज अ पीएल अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस दैट्स व्हाई. ओके सो इट इज सेकंड इफेक्ट रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके जो ड्रॉइंग है वो भी ओनर ही करता है. ओके और जो कैपिटल आता है वो भी ओनर ही लाता है. ओके सो यहाँ पर ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि एनी गुड्स और कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज कॉल्ड ड्रॉइंग. ओके तो उसने जो ड्रॉइंग किया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड. तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करना है इफ इट इज रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड. ओके पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रखा है तो ही आपको कैलकुलेट करना है. जो पार्टनरशिप डीड में नहीं रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करना. ओके सो जो भी अमाउंट विड्रॉ किया चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कैश हो. ओके बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस सॉरी इन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे आपके दो अकाउंट्स होंगे इफ करंट अकाउंट इज गिवन देन रिकॉर्ड ऑन करंट अकाउंट डेबिट साइड एंड सपोज करंट अकाउंट इज नॉट गिवन देन इट विल बी रिकॉर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. तो क्या होगा ड्रॉइंग होगा उसके नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. दैट इज योर फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके आपको वहां पर रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ओके सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. अरे सॉरी वो इंटरेस्ट इन कैपिटल था ना. अरे वी आर टॉकिंग अबाउट जो 11th का था वो
it is record, interest and capital is record on partners current account credit side or partners current account credit side. Okay, interest and capital. And second effect, PL approved debit side. Second effect, PL approved debit side. So we are talking about 11th. 11th ki baat nahi kar rahe. Now in 12th, okay, that is a partnership final account. Okay, so here second effect, that is a PL approved debit side. ओके फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट पीएल अप्रूव्ड डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके सो आपने कुछ आप सुन रहे हो तो किसने बताया नहीं मेरे को भाई सुन रहे हो ना आप लोग. ओके नेक्स्ट वन नाउ हेलो salary to partners. Okay, so salary to partners is the income for the partner and expense for the firm. Okay, and that is the partner's expense. Okay, and partner's expense is always record on PL approved debit side. Okay, and income for the partners, that's what is record on partner's current account credit side or capital account credit side. जो आपको क्या जो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो आपको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और जो सपोज करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया एंड इट विल बी रिकॉर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके सो फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट दैट इज अ पीएल अप्रूव रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड. ओके सैलरी टू पार्टनर्स. ओके नेक्स्ट वन नाउ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो यहाँ पे देखो आपका जो करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. ओके कैपिटल का भी हो सकता है पर रेयर केस में ऐसा होता है कि कैपिटल का माइनस बैलेंस बाकी अदरवाइज देयर इज ऑलवेज प्लस बैलेंस इन कैपिटल. ओके रेयर केस में आपका जो ड्रॉइंग कैपिटल ज्यादा हो गया तो रेयर केस में हो सकता है तो शायद ही हो सकता है क्योंकि कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होगी. ओके और ड्रॉइंग की अमाउंट कम होगी अदरवाइज लॉस हुआ होगा आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो माइनस में जा सकता है. ओके सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ट्रेड बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो यहाँ पे जो आपका बैंक बैलेंस है ओके दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट. ओके तो करंट यानी आपका जो बैंक में प्लस बैलेंस भी हो सकता है और माइनस बैलेंस भी हो सकता है. ओके तो प्लस बैलेंस को क्या कहते हैं ट्रेड बैलेंस कहते हैं और माइनस बैलेंस को क्या कहते हैं डेबिट बैलेंस कहते हैं. ओके तो यहाँ पे आपका जो प्लस बैलेंस है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा और फर्म के लिए एक्सपेंस होगा. ओके एंड सपोज इफ देयर इज अ माइनस बैलेंस तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा एक्सपेंस होगा और फर्म के लिए इनकम होगी. ओके सो हियर ट्रेड बैलेंस में क्या होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट PL approved debit side. PL approved debit side. Okay, because it is an expense for the firm and income for the partner as well. Next one. What is next one? It's the opposite. Interest on debit balance of current account. तो ये जो आपको record करना है partners current account debit side first effect और second effect होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके बिकॉज इट इज अ इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. ओके तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो आपको इंटरेस्ट दिया है तो वही लेना है नहीं दिया तो आपको मिनिमम 6% काउंट करना है. ओके और जितने भी सम्स है उसमें आपको इंटरेस्ट दिया है टेक्स्ट बुक में जितने भी सम्स है उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट दिया ही नहीं है. रेयर केस में एक दो सम शायद दिया होगा बाकी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देते ही नहीं है तो आपको कितना लेना है 6% लेना है.
ओके सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का फर्स्ट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लेफ्ट साइड, क्योंकि पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, सो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट उसको वापस करना है. सो दैट्स वाई इट इज रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट लेफ्ट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन. सॉरी, पहले आपको पार्टनर्स लोन लिखना है, उसके बाद नीचे प्लस लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन के प्लस उसके अमाउंट आपको बाहर लिखना है. सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. दो साल पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता था पीएल अप्रो डेबिट साइड. नाउ इन योर सिलेबस इट विल बी चेंज, इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके सो आपको ये चेंज करना होगा, आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना. ओके नेक्स्ट. हाँ, वो एक्चुअली पहले रिकॉर्ड करते थे पीएल अप्रो में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ओके तो उसको लेके गए अभी पीएल अकाउंट डेबिट साइड लेके गए. ओके फॉर पार्टनर्स का जो एक्सपेंस है तो पीएल अप्रो में ही होगा, बट आई डोंट नो व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दैट. ओके पर ऐसा करोगे आप तो क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है वो गलत आ जाएगा और डिविजिबल प्रॉफिट आपका गलत आ जाएगा, तो ऐसा मत करना. तो उसको आपको पीएल अकाउंट डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करना. ओके इट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, बराबर. लॉजिकली इट शुड बी रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर. तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा था मैंने. उन्होंने कुछ पॉइंट रखा था इसलिए उसको पीएल अकाउंट डेबिट साइड लेके गए. ओके चलो आ जाएगा, याद आ जाता है मैं बता दूंगा. ओके ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लंबा चलेगा. ओके नेक्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ओके तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, सो ये होगा आपका फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट लेफ्ट साइड ऐड टू रिजर्व. ओके तो आपको रिजर्व सर्कल्स में जो भी रिजर्व दिया है तो आपको वहाँ पे रिकॉर्ड करना है, नहीं दिया तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दो. ओके फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड है ना, चेक कर लो बटन. जनरल रिजर्व वहाँ पे आएगा. हाँ सॉरी, हाँ पीएल प्रोविजन जो है वो आपको पीएल में आएगा, बट ये जनरल रिजर्व है आपको पीएल एप लेना है. यस प्रोविजन जो भी होगा आपको पीएल अकाउंट डेबिट साइड लेना है. हाँ क्या, हेलो वो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटी. वो तो लेफ्ट साइड ही आएगा. ओके जनरल रिजर्व ये जो है सेकंड इफेक्ट की बात हो रही कि यहाँ पे आपको पीएल अप्रो में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. ओके और जो भी प्रोविजन हो वो आपको पीएल अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. ओके सो प्रोविजन इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन पीएल अकाउंट डेबिट साइड एंड जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व है दैट इज रिकॉर्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. ओके नेक्स्ट मतलब है आपने कमीशन दिया नहीं है पार्टनर्स को. ओके बराबर है. सो कमीशन पेबल्स कहाँ पे आएगा, दैट इज पीएल अप्रो डेबिट साइड बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, इनकम फॉर द पार्टनर. और जो आपने पे नहीं किया आउटस्टैंडिंग है. ओके बराबर है, पार्टनर्स का है ना ये पूरा पूरा हेडिंग पढ़ो बेटा. क्या है कमीशन सिर्फ है या कमीशन पेबल पार्टनर्स, तो चेक करो कि फर्स्ट इफेक्ट पीएल अप्रो डेबिट साइड है बराबर है, और सेकंड इफेक्ट देखो कि करंट कैपिटल दिया है या फिर एसेट साइड दिया है, सॉरी लायबिलिटी साइड दिया है, दोनों दिया है. कैपिटल अकाउंट और पार्टनर और दूसरा. अच्छा हाँ हाँ नहीं करंट अकाउंट, हाँ बराबर है, न्यू हुआ दैट इज नॉट रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड. ओके इन शॉर्ट. ओके सो पेबल्स यानी आपने पे नहीं किया. ओके कमीशन जो है पार्टनर्स का. ओके वो आपने पे नहीं किया, सो आएगा फर्स्ट इफेक्ट दैट इज अ पीएल अप्रो डेबिट साइड. ओके
और सेकंड इफेक्ट जो करंट अकाउंट दिया है तो आपको करंट अकाउंट में ही लिखना है, देयर इज नो ऑप्शन. ओके, और जो करंट अकाउंट नहीं दिया देन इट शुड बी रिकॉर्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इफेक्ट? हाँ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन. ओके, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट लेफ्ट साइड फर्स्ट इफेक्ट. ओके, सॉरी, एडवांस लोन है इसका मतलब है आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया नहीं है. इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन इसका मतलब यह है कि फर्म ने लोन दिया है, और वो कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, ओनर्स के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई और कोई कंपनी हो सकती है. ओके, सो इन दिस केस फर्म इज गिवन लोन टू द थर्ड पर्सन. ओके, बराबर है. सो फर्म ने लोन दिया है तो इसके लिए फर्म के लिए का इनकम हुआ, एंड इनकम इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन, देयर इज ओनली वन साइड, देयर इज नो अदर ऑप्शंस, पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, सो पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे. ओके, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन. ओके, और सेकंड इफेक्ट होगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, एडवांस लोन कितना है पहले आपको प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, और दोनों अमाउंट प्लस करके आपको बाहर लिखना है. ओके, सो ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन. ओके, एडवांस लोन का मतलब क्या है कि आप लोन दे रहे हो. ओके, और जो लोन लेते हैं तो उसका पूरा ऑपोजिट हो जाता है, व्हेन वी टेकिंग लोन इट इज रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट दैट इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, सो पीएल अकाउंट डेबिट साइड. जब भी आप लोन लोगे तो आपको वो पीएल अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, और आप लोन दोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है. ओके नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? या एमोर्टाइजेशन इज इट्स वन टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, बट डेप्रिसिएशन काउंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ इनटेंजिबल एसेट. ओके, दैट्स व्हाई द वर्ड एमोर्टाइजेशन इज यूज. ओके, हियर सो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करंट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन. बट यहाँ पे क्या है, एसेट्स इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस होम एसेट्स, एंड सेकेंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड. Okay, amortization of assets. Okay, next. Goods withdraw for person use by mistake, it is not recorded in books of account. Okay, so goods withdraw kiya to kya drawing hua ye. Okay, so first effect partners capital account debit side or partners current account debit side, ye first effect hoga. Current account diya hai to aapko debit side record karna hai, nahi diya तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आपको रिकॉर्ड करना है. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट वहाँ पे होगा, और सेकंड इफेक्ट, ओके, सो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ये आपको माइनस करना है परचेज में से. ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में सपोज परचेज नहीं दिया तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपको परचेज दिया है तो परचेज में से माइनस करना है, क्योंकि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज परचेस में से माइनस होता है. और सपोज आपको परचेस नहीं दिया तो आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, जस्ट रिकॉर्ड. ओके, वहां पे किसी को माइनस नहीं करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड देख दो परचेस. ओके, और जो परचेस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपको परचेस में से माइनस करना है. ओके नेक्स्ट, गुड्स इश्यू फॉर फ्री सैंपल. ओके, तो आप फ्री सैंपल में गुड्स दे रहे हो. ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा आपका, माइनस फ्रॉम परचेज. ओके, और सेम थिंग, परचेज नहीं दिया तो इट शुड बी रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार, समय ऐसा है कि परचेज दिया ही नहीं. ओके, इन दैट केस रिकॉर्ड ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, और दूसरा इफेक्ट होगा पीएल अकाउंट डेबिट साइड एड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. ओके, एड टू advertisement expense because this is a one type of advertisement expense. Okay, it's goods given for as a free sample. Okay, तो आप free sample दे रहे हो तो ये आपका एक तरह का advertisement ही हुआ. So add it is should be, it should be added to the advertisement cost. Okay, so PL account debit side. Next, stationery stock. Okay, now see here, ये stationery stock first balance sheet में asset side जाएगा. Okay,
बट ये जो है आपको पीएल अकाउंट डेबिट में से आपको स्टेशनरी में से माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? पीएल अकाउंट डेबिट साइड आपको स्टेशनरी में से माइनस करना है स्टेशनरी स्टॉक। ओके, और सेकंड इफेक्ट होगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, आपको रिकॉर्ड करना है स्टेशनरी स्टॉक। ओके, बराबर। तो आप, मेरा क्वेश्चन यह है कि आपको पीएल अकाउंट डेबिट साइड स्टेशनरी से माइनस क्यों करना है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? एनीवन? तो माइनस क्यों करना है आपको? आपको माइनस क्यों करना है आयुषी? कोमल अर्थ सो इसमें से माइनस क्यों करते हैं पीएल अकाउंट में से? उसको माइनस क्यों करते हैं? एनीवन? पीएल अकाउंट में इसको माइनस क्यों करते हैं स्टेशनरी स्टॉक? अच्छा, नो ओके। सो इसको माइनस क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट कि आपको करंट अकाउंट सॉरी करंट ईयर का ही एक्सपेंस दिखाना है। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने स्टेशनरी में परचेस की सपोज 10 फाइल्स। ओके, अभी एक फाइल 10 रुपए की है तो कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। ओके, आपने पूरी 10 फाइल यूज नहीं की। ओके, आपने 5 फाइल यूज की, 5 फाइल ऐसी पड़ी है तो वो अभी उस ये करंट ईयर में उसका यूज होने वाला नहीं। ओके, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बिकॉज कंपनी में तो स्टेशनरी का जो बिल होता है बहुत बड़ा होता है। सो आई एम गिव जस्ट एग्जांपल, 10 फाइल परचेस की है, यूज की आपने 5 फाइल्स। ओके, तो 5 फाइल्स जो आपकी जो है अभी आपने उस यूज नहीं किया। ओके, तो क्या करोगे आप उसको? पीएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, पीएल अकाउंट डेबिट साइड लिखोगे पहले स्टेशनरी परचेस कितना 100 रुपीज। ओके, माइनस आपको करना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। माइनस क्यों करना है? क्योंकि आपने यूज किया ही नहीं, आपने सिर्फ करंट ईयर में कितना एक्सपेंस किया है? 50 रुपए एक्सपेंस किया है, 100 रुपए का एक्सपेंस नहीं किया। 5 फाइल आपके पास ही पड़ी है, नेक्स्ट ईयर यूज हो सकती है। ओके, सो एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को आपके पास स्टेशनरी स्टॉक जितना भी है वो आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी में से माइनस करना है। ओके, दिस इज अ लॉ ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। दिस इज लॉ ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कि आपको करंट ईयर का ही आपको एक्सपेंस एंड इनकम रिकॉर्ड करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज माइनस फ्रॉम स्टेशनरी। ओके, तो एक्चुअल एक्सपेंस आपका 50 रुपया हुआ है, पर चाहे आपने 100 रुपया खर्चा किया है, दैट इज अनदर मैटर, दैट इज द नेक्स्ट मैटर। ओके, बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज रुपीज ओनली 50। ओके, 100 रुपया आपने खर्चा किया है बट उसमें से यूज कितना हुआ आपका? 50 रुपीज यूज हुआ है, 50 रुपीज आपके पास स्टॉक पड़ा है। ओके, सो ये क्या हुआ आपका स्टॉक जो है वो जाएगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में, और सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड से स्टॉक आपको लिखना है 50 रुपीज, बराबर है। और फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आपको? पीएल अकाउंट में से, पीएल अकाउंट डेबिट साइड में से आपको स्टेशनरी में से माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट वन आई डोंट वांट टू गेट इन बिकॉज़